अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ओ हीर जी, ओ आज तो ना तुझे खुशी हो जाना है। ओ इस जीते ने ना बस कमाल ही कर दिया। ओए ओए क्या खुशबू है, होए होए होए। अब स्वाद कैसा है वो ये तो आप ही बताओगे। अपने हाथों से बनाया आपके लिए सूजी का हलवा। जीते अभी से रखते, ठंडा करके बाद में खा लूंगी। जीते मैं ना बोर हो गई हूँ, आप बैठना मेरे साथ। हमारी नई नई शादी हुई है ना, हमें पूरा टाइम साथ में रहना चाहिए। नहीं जी, जब से घर आई है कुछ अलग सी है। वो कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं सोच रहा? जीते तेरे हाथ से बना हलवा बाकी से ज्यादा टेस्टी कैसे लगता है? वाह वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। जीते तुम्हारे इस हलवे की खुशबू बाहर तक आ रही है। हीर एक बार खा के तो देखो। दीदी आप खा लीजिए। अरे हम तो खा ही लेंगे, तुम्हारे हस्बैंड ने इतने प्यार के साथ स्पेशली तुम्हारे लिए हलवा बनाया है, एक बार चखो तो सही, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। लो खाओ। दीदी प्लीज, मेरा मन नहीं है, प्लीज आप खा लीजिए। ये तो हीर जी का फेवरेट हलवा है जो 2 मिनट में चट कर जाती थी, फिर आज क्या हुआ? सरताज साहब, मुझे लगता है इस एक्सीडेंट का हीर जी की याददाश्त पर काफी भारी असर पड़ा। वो आज ना उन्होंने बच्चों को गोद में उठाया, ना उन्हें जर्नैल के बारे में कुछ याद है, और तो और उन्होंने बेअंत अंकल जी के बारे में भी कोई बात नहीं की। पूरा दिन ने 100 बार उन्हें याद कर दिया। हादसा भी तो इतना बड़ा था ना पुत्र, और फिर उसके ऊपर ये सदमा। अगर कोई इलाज है ना तो बस बहुत सारा प्यार। हमें उसे बहुत सारा प्यार देना होगा, खुश रखना होगा, और धीरे धीरे उसे सब याद दिलाना होगा। पूरी कोशिश करूंगा पुत्र, सिर्फ तेरी कोशिश से कुछ नहीं होगा, हम सबको कोशिश करनी होगी। डॉक्टर्स का कहना है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, फिजिकली नहीं इमोशनली। शायद इसलिए हीर ऐसे बिहेव कर रही है क्योंकि वो सदमे में है। अंकल जी, हीर को क्या क्या याद नहीं है? अभी तो ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, पर वक्त के साथ साथ बहुत सारी नई चीजें पता लगेगी। पर इतना जरूर जानता हूं कि हीर ठीक जरूर हो जाएगी, बस वक्त लगेगा, और हम सबको साथ मिलकर ये कोशिश करनी होगी। अटवाल भाई साहब, तुसी ये दसो असी करना की है? बस इसलिए आप सब भी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि मैंने तेजी को तैयारी करने के लिए बोल दिया है। अरे आप आ गए, धन भाग हमारे जो दर्शन हुए तुहाडे, शुक्र है रब का। क्या आपको घर से निकलने का टाइम तो मिला? क्या बहाना बनाएंगे आप? घर में सब लोग थे, उनसे बच बचा के आई हूं मैं। मुझे पता है, मैं जानता हूं ये सब सच है। पता क्यों? क्योंकि तुम्हें बहाने बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता है। बनाओ एक और बहाना और बताओ मुझे कि अब तक तुमने उस हीर का क्यों कुछ नहीं किया? उस हीर नाम की मुसीबत का हीर अब हमारे लिए मुसीबत नहीं है। हीर अपनी याददाश्त खो चुकी है, आधी चीजें तो याद ही नहीं है उसे। उसे तो तुम भी याद नहीं हो,
इसीलिए अब उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने अगले शिकार पर ध्यान देना चाहिए और तुम्हारा अगला शिकार है चीता। राइट, दैट्स अ गुड न्यूज। अटवाल साहब, ये सब सामान? मैंने सोचा जब तक हीर ठीक नहीं हो जाती तो बेअन भाई साहब और पूरा परिवार हमारे साथ इसी घर में रहेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आप लोगों के लिए मैंने गेस्ट रूम तैयार भी करवा दिए, अब आप यहीं रहेंगे। हीर जी, देखिए तो कौन आया। सत श्री अकाल पापा जी। सत श्री अकाल। हीर जी तो पापा जी के सबसे करीब है, ऐसे कैसे उन्हें अनदेखा करके आगे बढ़ गई। अटवाल साहब, जरा मेरे साथ आएंगे? हाँ। हीर, पापी से तो मिलो। कैसी है तू? गुरमीत वीर जी नहीं आए? वो कहीं गए हुए हैं। फोन करेंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी कि हम लोग यहाँ आए। अटवाल साहब, एकी कितना तो सी। तू कहना क्या चाहती है? हद हो गई। आप समझे ही नहीं, इतना बड़ा फैसला ले लिया आपने, उसे पूछना तक जरूरी नहीं समझा। मैं गया था कमरे में, तू नहीं थी वहां। कहां गई थी ये बता। मैं गार्डन में थी, धूप सेक रही थी। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा घर है, नौकर चाकर है, तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। और हीर के माँ बाप इस घर में रहेंगे तो शायद बच्ची जल्दी ठीक हो जाए। अटवाल साहब, परेशानी की बात ये है कि मेरा खुद के पैर नहीं चल रहे, ऊपर से आप समधियों को उठा के यहाँ घर में ले आए। अरे बंदे की अपनी कोई आजादी होती है कि नहीं होती है? घर परिवार के लोग होते हैं तो बंदा सोचता नहीं है क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। आप समधी साथ में रहेंगे तो 10 बार सोचना पड़ेगा बोलने से पहले। देखिए, हीर हमारी बहू है कि नहीं, उसकी देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। कल को दुनिया वालों ने पता है क्या कहना है कि अटवालों से बहू नहीं संभली तो पिक्के वालों को बुला लिया यहाँ पे। देखिए अटवाल साहब, आज आपने जो किया है ना, बिना मुझसे सलाह मशवरा लिए इतना बड़ा फैसला लेता है, मैं बहुत नाराज हूँ आपसे, बहुत ज्यादा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।